फॉलिक्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछला वीडियो मैंने बना लिया था, अभी मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इट्स सो हैवी, ये बहुत हैवी है एक्चुअली। ये मैंने रेवाहॉलिक कलेक्शन लिया था, काफ़ी बड़ा कलेक्शन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने कुछ चीज़ें इसमें से यूज़ की हुई है एंड बाकी के मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने ये जो इतना बड़ा सा बॉक्स है, मैंने एज अ स्टोरेज बॉक्स इसको यूज़ कर लिया है और मेरे पास इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बॉक्स का जो फर्स्ट साइड है, ये इट वॉज एज इट इज़ ऐसे ही आया हुआ था। और ये जो है ये जो ड्रॉर है, यहाँ पे ब्रशेस थे जो मुझे इतने कुछ अच्छे नहीं लगे, तो वो मैंने निकाल दिए हैं। बट वो ब्रशेस भी मैं शायद आपके साथ शेयर कर दूँ या फ़ोटो मैं यहीं कहीं डाल दूँगी उसका। पर ये है जहाँ पे मैंने और जो प्रोडक्ट्स थे मेरे पास वो मैंने डाल दिए। और ये जो सेकंड ड्रॉर है, दैट इज़ ऑल्सो एज इट इज़ मैंने इसमें डाल दिया है। सो द फर्स्ट पैलेट इज़ रेवाहॉलिक लिमिटेड पैलेट। ये काफ़ी प्यारा पैलेट है। इसमें यू कैन सी बहुत ही न्यूट्रल आई शेडोज़ है सारे, लाइक ब्राउन्स एंड हिंट ऑफ पिंक, और थोड़े से शिमरी शेडोज़ है एंड मैट भी है। ये इसका हाइलाइटिंग शेड, ये वाला, इट्स लाइक रियली प्रिटी। शायद ये यहाँ पे लाइटिंग कैच नहीं कर रहा है, बट बहुत प्यारा शेड है। दूसरा है रेवोल्यूशन के फ्लॉलेस पैलेट्स। ये पैलेट्स बहुत फेमस है एंड काफ़ी अच्छे भी है एंड दे आर मोर अफोर्डेबल। आई थिंक इट इज़ 10 पाउंड ईच, विच इज़ अराउंड 5 KD हियर, एंड इंडिया के कुछ हो जाएंगे मे बी 800 रुपीज़। आई एम नॉट श्योर इंडिया में किस प्राइस में मिलता है, बट बेस्ट थिंग मुझे इसकी लगी कि इसमें यू गेट फुल साइज मिरर, और ये है इसके शेडोज़ जो कि बहुत प्यारे हैं। मैं अगर आप चाहते तो मैं इसका भी कर दूँगी रिव्यू डिटेल्ड। और ये है इसके आई शेडोज़ के नेम्स। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया ना कि मैंने कोई वीडियोस बनाए नहीं हैं एंड मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ ही करती रही हूँ, बट इंशाल्लाह अब मैं सोच रही हूँ मैं आगे और वीडियोस करूँगी। और ये है फ्लॉलेस 4। ये अगेन ये पैलेट भी बहुत प्यारा है, इट्स वेरी प्रिटी। शेड्स देखिए इसमें, बहुत ही मज़े के शेड्स है, एक से एक शेड बहुत ही प्यारा है। मैंने रेवोल्यूशन के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए थे, लाइक ब्लश पैलेट है, हाइलाइटिंग पैलेट है, और भी कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं और वीडियोस जब आएंगी बनाऊंगी मैं। ये है उसका हाइलाइटिंग पैलेट। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, इवन फॉर द लाइटर स्किन टोन्स, थोड़ा सा डीपर स्किन टोन्स के लिए भी। ये है ब्लश पैलेट, बट ये जो ब्लशेस है वो शीन वाले हैं। और एक ब्लश पैलेट मैंने रेवोल्यूशन का लिया है जिसमें विदाउट शीन यानी मैट फिनिश वाले ब्लशेस हैं। अगेन ये ब्लशेस आप सारे स्किन टोन के साथ जा सकते, ये वाले लाइटर स्किन टोन्स, ये वाले डीपर स्किन टोन्स पे ये दो शेड्स बहुत ही प्यारे लगेंगे। इनफैक्ट ये तीन, इट्स लाइक हाईलाइटर एंड ब्लश दोनों मिक्स। ये हाईलाइटिंग के लिए ये तीन शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। और से ये है सेटिंग पाउडर, लग्जरी बनाना पाउडर जैसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। और नेक्स्ट है ये रेवोल्यूशन के किस व्हाट इज इट स्किन किस स्किन किस हाइलाइटर्स, ये भी बहुत प्यारे। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए, बट इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैं ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके कुछ ना कुछ वीडियोस बना। अगेन ये है फ्रीडम प्रो HD ब्राउ पैलेट। फ्रीडम इज़ आल्सो अगेन इसकी सिस्टर कंपनी है रेवोल्यूशन की, तो यू गेट दैट। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, बट मैंने स्टोरेज के लिए इसमें रखा हुआ था। ये अगेन बहुत अच्छा है, इसके साथ मिरर है एंड इट्स लाइक अ प्रो पैलेट, लाइक प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट स्टोन, लाइट स्किन टोन्स, लाइट ब्राउ हेयर्स से लेकर और डार्क ब्राउ हेयर्स तक के सारे चीज लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। हाइलाइटर और कंसीलर शेड मैजन ब्राउ वैक्स है, और ये स्टेंसिल्स है जो मैंने यूज़ नहीं किया। इसके साथ एक और ब्रश था जो मुझसे मिसप्लेस हो गया है कहीं पे, वैसे भी वो किसी काम का नहीं था, पर ये जो स्टेंसिल्स हैं मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट कुछ लोगों को अगर चाहिए तो वो स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। तीन शेड, तीन अलग अलग स्टेंसिल्स हैं इसमें। अगेन ये कलेक्शन मुझे
ऐसे छोटे बच्चे जैसा लग रहा है बट इट इज़ रियली नाइस. ये ग्लैम डॉल कैन से, इसमें लिखा हुआ है 4 ब्राउ पाउडर, 3 पाउडर हाईलाइटर, 10 आई शेडोज, 2 ब्लशेज एंड 4 लिपस्टिक्स. लेट्स सी. पैकेजिंग काफ़ी क्यूट, काफ़ी स्लीक है एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी जो सिग्नेचर पैकेजिंग है, दैट्स ब्लैक एंड शीक. इसको खोल के देखेंगे. ओके, इसमें भी फुल साइज़ मिरर है, आप देख सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स का नाम मेंशन है ये शीट पे जिसको मैं हटा रही हूँ. काफ़ी प्रिटी पैलेट है. इसमें आई थिंक 4 या 5 अलग अलग टाइप के ये हाउस ऑफ ग्लैम डॉल्स हैं ना, उसमें 4 या 5 अलग अलग किस्म के हैं. ये चीज़ ये रिडेम्पशन पैलेट इसके बहुत प्यारे हैं. मेरे पास तीन रिडेम्पशन पैलेट है रेवोल्यूशन के. ये थोड़ा सा कलरफुल है, मुझे इसमें शेड्स अच्छे लगे. मैं खोल नहीं रही हूँ, वैसे बाहर से दिख रहा है इतना क्लियरली, तो ये शेड्स बहुत प्यारे हैं. दूसरा ये है, ये वाले जो है इसमें मैट शेडोज़ है, सेम ये वाला है बट ये सारे शिमर वाले शेडोज़ है. सो ये रिडेम्पशन पैलेट एसेंशियल शिमर्स एंड रिडेम्पशन पैलेट आइकॉनिक एलिमेंट्स. एंड इसके जो शेड्स है समवॉट नेकेड पैलेट 1 से काफ़ी सिमिलर है. सो अगर आपको एक चीप ऑल्टरनेटिव चाहिए नेकेड पैलेट 1 का तो ये आई थिंक ये दिस इज़ द मस्ट हैव. लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है इसका कॉन्ट्रोल पैलेट आइकॉनिक लाइट्स कॉन्ट्रोल लाइट एंड कॉन्ट्रोल मीन्स इसमें हाईलाइटिंग एंड कॉन्ट्रोल दोनों शेड हैं. बहुत लाइक ऑल आप ये सारे हाईलाइटर शेड है, ये सारे कॉन्ट्रोल शेड्स है, लाइक लाइट टू डार्क स्किन सारे यूज़ कर सकते हैं. या सो दैट्स ऑल अबाउट इट एंड इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैं और वीडियो शेयर करूँगी और मे बी इस तरह से ज़्यादा अच्छे से शूट होंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बिल ताकि आप कोई भी वीडियोज से बेखबर ना रहे. तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.